हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके जल्दी जल्दी से ये बताइए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रकार का इशू आ रहा है तो आप बता दीजिए कि हाँ, हमें कुछ समस्या है, जैसे आवाज़ नहीं आ रही, दिख नहीं रहा है, या फिर चल नहीं रहा है कुछ भी। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि विशाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अजय पाल और विकास, दूसरे हैं, इनका नाम है विकास भिंड, पहले वाले विकास का नाम है विकास गवार, उन्होंने लगाया अपने नाम में, पता नहीं कैसे क्या है, ये किसी दूसरे जिला से होंगे भाई, यूपी और बिहार वाले नहीं लगाते ऐसा, उन्हें बुरा माना जाता है। फिर भी जो भी है, तो बच्चों हम लोग पढ़ क्या रहे थे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 प्रश्नावली 5.3 आगे पढ़ना है आज। क्लास को पूरा एंड तक देखना, छोड़ के ना जाना, समझाने की पूरी गारंटी होगी, घोल के पिला देंगे, ठीक है। बहुत से बच्चों के और भी कमेंट्स आ रहे हैं जो काफ़ी परेशान है, उनका नाम भी मैं बोल देता हूँ, वो नाम के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। इसमें प्रिया शर्मा का कमेंट आ रहा है, आलोक कुमार शुक्ला, रोशन कुमार, मिथुन अवस्थी, सौरभ और पंकज सिंह, मुकेश अग्रहरी, सुधांशु, रोशन प्रजापति और शशि, महावीर पांडे, सुशील पांडे, शोभित, प्रभाती स्टूडियो और पंकज मिश्रा। और भी बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जो जुड़े हमारे साथ, सैकड़ों बच्चे जुड़ गए हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। फटाफट सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री क्लास यूट्यूब पर लाइव होती है इस समय दोपहर 2 बजे से, टाइम याद रखना दोपहर 2 बजे से। एक्सरसाइज आप पढ़ोगे आज 5.3 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सभी रेडी हो? चलिए ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना। सभी बच्चे एनसीईआरटी किताबें लिए होंगे तो 5.3 ओपन कर लीजिए, क्लास 10th की मैथ है। और सभी का कमेंट आ रहा है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, क्लास 10th, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए इधर साइड में, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग। पहले तो आप लोग ये बताओ कमेंट करके, क्या आप लोग फार्मूला जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो तो मैं बताऊं, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। योग का एक ही फार्मूला होता है, बहुत आसान होता है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, लेकिन क्लास को एंड तक देखना बच्चा, ठीक है। सौरभ, हाँ कमेंट आ रहा तुम्हारा भी, ठीक है चलो। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा फार्मूला अगर लिख लेते तो बेहतर रहता। जो योग वाला सूत्र होता है उसे लिखो, 2 सूत्र इसमें यूज करेंगे हम लोग, लिख लीजिए। यदि किसी एपी के, पहले इसे लिख लो जो बोल रहा हूं मैं, सब कुछ लिखूंगा नहीं, सुन लो। यदि किसी एपी के प्रथम यन पदों का योग यस है, यदि किसी एपी के प्रथम यन पदों का योग यस है, तो इनका योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, लिखो, नीचे लिख दूं क्या मैं, हाँ यहाँ लिखता हूँ, यस यन, कैपिटल में यस लिखोगे, यस यन बराबर, ठीक है, फटाफट लिखो, यन अपान टू, कोष्ठक के अंदर होगा बेटा वही जो सब पढ़ते आए हो, ए प्लस यन माइनस वन इंटू टी, ये यन माइनस वन है याद रखना, ये सूत्र होता है आपका, ठीक है। सूरज कुमार, प्रिया सिंह, सबका कमेंट आ रहा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है आपका। देखो इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, 5.3 में। 5.3 क्या कहता है, 2, 7, 12 10 पदों तक योग ज्ञात कर। पहला क्या कह रहा है, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक क्या करना है, हमें इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो बेटा ये फार्मूला लगाओगे छोटा सा, बहुत ही प्यार से, ये तो सूत्र मैं पहले लिख दिया हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना दिया है, ठीक है। सूत्र लिखने के पहले लिख लो दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है,
देखो ये एक समांतर श्रेणी है, तो इसका पहला पद दिया है हा? पहला पद क्या है? दो। आप लिखोगे ए बराबर क्या दिया है? दो। आप देखो यहाँ पे डी बराबर भी दिया है, डी का मतलब सर्वांतर, जो कि दूसरे पद से पहला पद घटा के निकालते हैं। आप घटा के देखो पांच आएगा हा? इसमें एक चीज और भी दिया है, यन बराबर दिया है। यन बराबर कितना दिया बच्चा? दस दिया है ना। यन कितना दिया? दस दिया है, क्योंकि अंतिम जो पद है जन्मा पद क्या है? दस है। कितना है? दस। चलिए मान रख देते हैं, समझो यहाँ पे यस टेन भाई दस है, इक्वल यन की जगह पे दस रखोगे, जहां जहां यन है वहां वहां दस रखोगे। दो गुड़े ए, ए का मान दो है तो दो रख दो, धन यन की जगह पे दस। क्यों भाई यन की जगह पे दस रखोगे ना? माइनस वन इंटू फाइव डी की जगह। बस कितना आसान है ना, देखो कितना आसान है। ज्योति सेन जो पढ़ा रहे पहले इसे तो देख लो, इतना लिख लीजिए आप लोग, मैं देखूं थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि नहीं। अच्छा दिख रहा है ना बाबू? सही दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, डोंट वरी, मस्त दिख रहा है। फ्रेंडशिप वीडियो ठीक है। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं क्लास को लाइक जरूर करें, देखो लाइक करते हो तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। उत्तर तो आ गया आपका, देखो देखो आ गया, आ गया आंसर तो आ गया, बहुत प्यार से देखो आ गया। ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा दो से, तो आपको पता है पांच हो जाएगा। इसमें देखो गुणा करके ये चार हो जाएगा, और ये आपको पता है प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा। दस से एक जाएगा नौ आएगा, पांच में गुणा करोगे नौ पच्चीस कितना हो जाएगा? पैतालीस। कितना हो जाएगा बच्चा? पैतालीस। बस हो गया, कितना आसान है ना। यस टेन, अब सीधा सीधा मुझसे यस टेन, तो बराबर कितना हो जाएगा? पांच गुणा उनचास यस टेन। अभी दिख रहा है ना, गुणा कर लो पांच नौ पैतालीस, पांच हासिल आया चार, पांच चौबीस, चार चौबीस, दो सौ पैतालीस आया। कौन सा? इनके दस पदों का योगफल। सभी को समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी से बताओ कि हाँ आ रहा है। कक्षा आठ का बेटा पीबीआर स्टडी एप्लीकेशन में मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया गया। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ। चलो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहला पार्ट हो चुका है। सूरज कुमार दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है सूरज जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैं इसको अब इरेज करूंगा, हो गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से, दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। सूत्र हम नहीं मिटाएंगे, लेकिन सूत्र मैंने थोड़ा गलत जगह लिखा इसलिए मिटा देता हूँ, क्योंकि प्रश्न को उतारने के बाद में आपको लिखना होता दिया है ये चीज, जो है क्वेश्चन के नीचे लिखा करो तब सूत्र लगाया करो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, से कितने लोग एनसीईआरटी की किताब लिए हैं? बोलो हाँ, जो एनसीईआरटी बुक लिया है जल्दी से बता दे कि हाँ हम लिए। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे उनके में तो पक्का सवाल सभी मैच कर रहा है, क्योंकि उनकी एक एक किताब होती है एनसीईआरटी। जो यूपी और बिहार बोर्ड के होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी, इनमें अलग अलग किताब होती है। कोनो दूसरा प्रकाशन लिया है, कोनो दूसरा लिया, कोनो दूसरा लिया है, तो उनमें क्या होता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता, चैप्टर आगे पीछे हो जाता है। बबीता वर्मा, नित्या सिंह, ठीक है, सभी का कमेंट आ रहा है। सेकंड पार्ट देखो बाबू ध्यान से, माइनस का 37, माइनस का 33 और माइनस का 29, यानी हमें पता ये चार चार क्या है, बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे है बढ़ कहाँ रहा, घट रहा है। देखो बच्चा, माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना छोटा होता है, यानी एक प्रकार ऐसे समझ लो किसी के ऊपर जितना कर्जा होता है ना वो उतना ही गरीब माना जाता है। कैमरा थोड़ा सा चार्ज में लगा दें, एक मिनट रुके रहो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैमरा थोड़ा सा मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। हाँ तो लग गया, अभी नहीं चला, चलाना भी पड़ेगा, चल गया। चलो देखो समझिए, इधर साइड में देखिए,
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, बस आपको देखना है। ये लो मैं ले लिया। 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, देखो कहाँ तक, 12 पदों तक। कितना आसान है, बहुत आसान आसान है ना। इसमें सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, क्या क्या दिया है, ए दिया है पहला पद माइनस 37 दिया है, फिर डी दिया है बच्चा कितना, देखो -29। इसमें से हम क्या करेंगे, अगला वाला पद को घटाते हैं, ये माइनस का 33 है, तो हमें क्या मिलता है, सर्वांतर मिलता है, ये -29 और +33, घटा लो बच्चा 4 आएगा, कितना आएगा 4, यानी हमारा जो सर्वांतर है क्या है 4। इसमें जो यनवा पद दिया है 12, मतलब लास्ट पद जो है ना, बबीता पहली बार गुरु आपकी लाइव क्लास ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा आप पढ़ा रहे हो बबीता जी। ये क्लास हमारी कोशिश होती है कि प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से लाइव हो। इसके और पिछले पार्ट सभी चैनल पे पड़े हैं वीडियो, आप उन्हें देख सकती हैं। सारे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, चैप्टर 5 तक खत्म हो गया, ये लास्ट चैप्टर मतलब एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, आज ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, ये तो दिया है मैंने लिख लिया, अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा, एक ही सूत्र है योगफल वाला, इसको हम थोड़ा बगल में लिख लें तो हमारे लिए जगह थोड़ा अच्छी से बच जाएगी, कि इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं जिससे थोड़ा जगह बचे और हम आपको दिखा सकें एक बार में। थोड़ा लाइट ज्यादा है, चमक ज्यादा रहा है क्या स्क्रीन पे, थोड़ा चमक ज्यादा है तो बता देना, अगर ज्यादा चमक रहा होगा तो थोड़ा कम कर देंगे। सूत्र लगाइए, यस एन बराबर n/2, बहुत ही आसान सूत्र है, 2a+n-1 ×। ये क्या है, इसका फार्मूला है, ठीक है बच्चा, थोड़ा सा लाइट में कम कर देता हूँ, चलो ठीक है। इतना ठीक है, अब इसमें यन की जगह पे 12 रखोगे भैया, यन की जगह पे 12 रखोगे तो हो जाएगा 12/2, ये हो जाएगा 2 × a। a का मान कितना है सभी बच्चे बताओ जल्दी से, a का मान दिया है -37 और प्लस यन, यन की जगह पे 12 -1 × d, डी का मान दिया है 4। अब देखिए को काटोगे तो 6 आएगा, 6, और इनको आपस में गुणा करो अगर तो आप देखो आपको मिलेगा 2 × 7 = 14, 4 × 1 2 × 3 = 7, -74 आएगा, कितना आएगा -37। और बच्चा ये क्या हो जाएगा बाबू, घटाओगे तो 11 आएगा, 12 से 11 11 11 का 4 में गुणा करोगे 44। इतना देखो सबको समझ में आया, आसान है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, यस 12, ये हमें 12वां पद तक योगफल निकालना है। बहुत अच्छे भाई, क्या नाम है इनका, अंकित कुमार और विशाल, ठीक है विशाल जी, वेरी गुड। अब इनको हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये प्लस और माइनस हट जाएगा, 74 से जब 44 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना, अंदर में क्या आएगा 30, वो भी माइनस में आएगा। यहाँ ध्यान देना, यस 12 बराबर -30 और इसमें 6 से गुणा कर दोगे तो -180 आएगा, यानी यही क्या है हमारा आंसर है। कितना आसान है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी आगे भी चलना है। इस समय बच्चे ज्यादा नहीं आ रहे क्योंकि क्लास थोड़ा दिन बंद हो गई थी, तो बच्चों को पता नहीं है इस वजह से। सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो क्लास जैसे ही क्वेश्चन पूरा हो स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट लेना जानते हो ना, लिख लेना बाद में आराम से, और नोट्स बनाना, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना,
पूरी गणित यूट्यूब पे हम फ्री में पढ़ाएं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो बिना एक पैसा खर्चा किए, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, वो क्या है पता है? क्लास को रोज लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर इससे भागते हो तो फिर गड़बड़। चलिए अगला पार्ट पे चलते हैं, मस्त दिख रहा है, सब कुछ बेहतर है। चलो ठीक है, मस्त है। इसका थर्ड पार्ट आप लोग कर लोगे, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो बता देना मुझे, कर लोगे ना भैया? माइनस का छ नहीं नहीं 0.6 है, अरे वही एक गुणा हो रहा है, वो लग रहा है 7.7, 2.8, डॉट 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 का कह रहा है 100 पदों तक, कितना तक? 100 पदों तक। अच्छा, 10 की जो लाइव क्लास होती है वो डेली दोपहर 2 बजे से हो, क्लास का टाइम डेली दोपहर 2 बजे से। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, एक्सरसाइज 5.3, क्लास 10th। थोड़ा सा ब्लर है क्या? अभी मैं सही कर देता हूँ, थोड़ा सा आप देखिए चमक कम हो गई होगी नॉर्मली ना, हाँ अच्छा चल रहा ना भैया? चलिए ठीक है, देखिए आप समझिए, बताना अगर कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल भी लाइट मैंने कम कर दिया है। देखिए बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, आपको सम्स फाइंड करना है इस सीरीज का, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी दी गई है, आपको इनका योगफल ज्ञात करना। बच्चा बहुत ही आसान है बाबू ये, इसका फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 × 1/2 और प्लस इसमें किया गया 14 और प्लस डॉट 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 ये प्लस 84 तक है। देखिए कितना आसान है, ये समझने की भरपूर कोशिश करिए, ठीक है, समझने की पूरी कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बच्चे लोग, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं जो बताना चाहता हूँ उसे समझना। इसमें आप देखो ये एक सीरीज दी गई है, जैसे आपको कोई श्रेणी दी जाए उनको जोड़ा जाए, तो ये आपस में बीच में प्लस का साइन लगा दिया, बाकी ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया, जिसका पहला पद 7 से शुरू होता है और लास्ट वाला पद 84 दिया गया है। समझिए, आप यहाँ पे लिखोगे भैया सबसे पहले दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, इसमें पहला पद दिया है ए, इसे बोलते हैं प्रथम पद, टी दिया है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बच्चा कैसे निकालते हैं तुम सबको पता है, इसको आप भिन्न में बदलोगे तो 10 × 20 एक 21/2 हो जाएगा, ये निकलेगा बेटा तो 21/2 − 7 ऐसे निकलेगा ना, इसे हल कर लोगे 21 − 14/2 बराबर ये हो जाएगा कितना भाई, इसमें से घटेगा 6 × 7 आएगा और 7/2, समझ में आ रहा है ना? टीपू ऑफिशियल बेटा, पढ़ाई कर लो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर काम, सिर्फ पढ़ाई कर लो बस। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ मस्त दिख रहा है, एकदम बेहतर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड।
अब क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, ये हमें डी निकल गया, आ गया ए का मान आ गया, इसमें ए एन का भी वैल्यू दिया है, ए एन बराबर दिया 84। अब हमें एक छोटा सा सूत्र लगाना है और हमारे सामने एन का मान आ जाएगा। जब हमें एन का मान मिल जाएगा तो हम यस एन बराबर एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर इसका दूसरा वाला योग वाला सूत्र लगा करके हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करोगे बच्चा, इसमें ये सूत्र लगाओगे एन का मान निकालने के लिए, भरपूर कोशिश करोगे। का मान 84 दिया है ए एन का, ए का मान बेटा 7 दिया है, एन का मान हमें नहीं पता है, और टी का मान जो है वो दिया है 7/2। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, सभी कर लेंगे। का कोई डाउट कोई सवाल तो बताओ। चलो अब ये हो जाएगा आपका 84, 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर साइड जो है दाहिनी साइड क्या है, प्लस में है। ये n माइनस वन ऐसे का ऐसे ही उतार लिया जाएगा, इंटू 7/2 ऐसे लिख लीजिए, आपको समझ में आई, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम भले लग जाए लेकिन आपको आना चाहिए। अब देखिए इसको इसमें से जब घटाएंगे तो भैया 77 आएगा, और ये बच्चा इधर गुणा में है 7/2, अगर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कहने का ये मतलब है जब इसे फिर से हम गुणा में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये इतना जानते हो क्योंकि आप बेसिक पढ़े हो। अगर आपको बेसिक नहीं आता है कि ये कैसे हो गया तो आप हमारे यहाँ बेसिक मैथ पढ़िए, जीरो लेवल पढ़िए। अब ये कट गया तो ये कितना हो गया, 22 बराबर एन माइनस वन, हम कह सकते हैं कि एन बराबर 23। बोलिए इतना समझ में आया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई गोविंद शुक्ला जी नीचे नंबर चल रहा है, आप वहां पे इंक्वायरी करिए। वैसे तो मैं आपको एक बार में बता दूं तो आप पीबीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, जाके वहां से देख लीजिए, जो भी आपको चाहिए ले लीजिए, सब है उपलब्ध, फ्री भी है पेड भी है सब। इसको करिए, हो गया, यन का मान आ गया, सारे मान आ गए हैं। अब हमें योगफल का सूत्र लगाना है, सिंपल सा छोटा वाला, और मान आ जाएगा। चलिए हो गया, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं इसको अभी रेज कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रहे ये क्लास सभी बोर्ड के सभी प्रकार के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न है, ये एनसीईआरटी जो है ना ये सबके लिए। मैंने इम्पॉर्टेंट पार्ट तो मिटा दिया है लेकिन फिर से हमें अभी लिखना पड़ेगा। अब हमें योग वाला सूत्र लगाना है, क्या करना है, योग वाला सूत्र लगाना है। देखो बच्चा, जो जो दिया गया था मैंने कुछ चीजें मिटा दिया, उसे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। जैसे पहला पद ए बराबर आपका 7 दिया था, डी का मान मैंने निकाला था 7/2, एन का मान अभी अभी आया था 23 आया था, बाकी तो मुझे लग रहा सब है, ए एन का मान 84 दिया था, ये इतना आपको दिया गया था। अब हम लिखेंगे अतः 3D का योगफल बराबर क्या होता है, यस एन होता है ना, ये यस एन बराबर एन 2 एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अरे ये तो दूसरा है यार, इसमें ए प्लस एल हो जाता है, बस क्या हो जाता है, ए प्लस एल, ये छोटा वाला सूत्र ना, हमें इतने में ही काम हो जाएगा तो हम काहे को फालतू फैलाएं लंबा। हाँ एक बड़ा वाला सूत्र होता है, यस एन बराबर एन अपान टू टू ए, होता नहीं उसमें ए माई एन माइनस वन इंटू डी, वो नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे छोटे में ही काम हो जा रहा है। तो यस एन की जगह पे हम क्या रखेंगे भैया, एन का मान आया है 23 आया ना, और एन का मान फिर हर जगह 23 रखोगे, ये हो जाएगा ए, ए का मान 7 प्लस एल, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब वही जो लास्ट पद दिया गया था, 84 दिया था ना, कितना दिया था 84। आप देखो अगर यहाँ पर, तो हमें यस 23 का मान निकालना है क्योंकि हमें इनका क्या करना है, योगफल निकालना है।
निकालना है ना। चलिए ये हो जाएगा बच्चा आपका 23/2 और ये हो जाएगा 91। आप इन्हें हल कर लोगे, हल करना आप सभी जानते हो, इतने छोटे बच्चे हो नहीं, गुणा कर लो 1046.5 आएगा, समथिंग कितना आएगा 1046.5, ये 2093 लगभग आएगा। अब ये मत कहना कैसे आया, तुम्हें जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना चाहिए, तो आना चाहिए ना। तो 1046 समथिंग आएगा, हाँ 1046.5 ये इसका मान आ गया। समझ में आया, लिख लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करिए, देखिए टाइम नहीं लगाइए बिल्कुल भी। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका बच्चा, लाइट जो है काफी डिस्टर्ब चल रही है, पर अच्छा चमक है, नीचे कम है, उधर का लाइट बंद करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा ही कुछ है ना, वो लाइट बंद कर दीजिए। ओके चलिए देखिए, ठीक है, ऊपर से थोड़ा ज्यादा चमक रहा था ना, नॉर्मल हो गया ना अब, लिख लीजिए इतना। दीपू बेटा अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, और यहाँ पे हम वक्त ही तो नहीं कर पाएंगे, नहीं क्योंकि ये क्लास भी तो आगे चलना है ना लेकर के। सेकंड पार्ट देखिए बहुत जल्दी, फटाफट फास्ट, चलिए आइए सेकंड पार्ट की तरफ, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़िए। फिर से ब्लर कर रहा है का, यही मुझे लग रहा है कुछ जूम वूम कर लेता है, भाई मुझे देख नहीं पा रहे हो का, काहे जूम कर लेते हो। चलिए ठीक, आप समझिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, इसका अगला पार्ट जो है वो कैसा है, 34+32 पार्ट है, 34+32+30 +10 ये आपको दिया गया अगले पार्ट में, जरा ध्यान देना इसे, इसमें जो जो दिया गया पहले आप लिख लोगे, जैसे ए का मान 34 दिया है, इसमें डी का मान बच्चा उल्टा घटाओगे माइनस का 2 आएगा, घटा के देख लो ऐसे करोगे, ए एन दिया है आपको 10 दिया है, लास्ट वाला जो भी है, यहाँ से आप पहले यन का मान निकालोगे, ठीक है, यन का मान निकाल करके मान रख दोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक एक करवा देता हूँ, पहले यन का मान फिर योगफल वाला बाद में। तो बच्चा ये सूत्र लगा लो बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान 10 है, ए का मान 34 है, एन का मान नहीं पता है, डी का मान माइनस का 3 है, 3 नहीं है 2 है, लिखते चलिए फटाफट, कोई भी डाउट है तो बता दो, ठीक है बच्चा। चलो अब ये 10 ऐसे ही रहेगा, उधर से 34 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, इसको घटाओगे तो क्या आएगा बच्चा, ये माइनस का 24 आएगा, तो इधर से भाग में आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये कट जाएगा, 12 बराबर एन माइनस 1 आएगा, आप कह सकते हो कि एन का मान 13 आएगा, क्योंकि जो एन माइनस 1 है ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, हम यहाँ कह सकते हैं कि एन का मान 13 दिया है, क्या दिया है 13 दिया है, इतना कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करिए, फास्ट करिए फटाफट, हाँ इतना लिख लिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, अब देखो बच्चा ये सारे मान दिए गए हैं, इसी पर हम सूत्र लगा देंगे योग वाला, और इसी में हम कर ले जाएंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओके ठीक है। अब क्या करना जरा ध्यान देना, इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है माइनस का 5 प्लस, अरे भाई थर्ड पार्ट नहीं, अभी इसका योगफल निकालो, यस एन बराबर एन अपॉन 2 और ए प्लस एन लगा करके, ठीक है चलो, यस एन, एन का मतलब हमें 13 निकालना है,
एन की जगह पर 13, ए की जगह पर 34 और यल ये 10 दिया था ना। चलिए जल्दी जल्दी से इतना करते चलिए, ये हो जाएगा आपका 13/2, ये हो जाएगा 44, ये काट दो 22 आएगा, 22 का तुम 13 में गुणा कर लोगे, 13 दूना 26 दो 28, यानी यस 13 बराबर कितना आएगा 286, ये आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आया ना, प्रियांशु बच्चा पढ़ाई कर लो बस, मिस्टर प्रांशु और दीपू कमेंट आ रहा सबका, सबका आ रहा, मैं सामने से हट गया हूँ, लिख लो। लिखिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए किसी का कोई सवाल है तो फटाफट बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से, और क्लास को लाइक जरूर करो भाई, ऐसे मजा नहीं आ रही देखो एकदम बिल्कुल भी। ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। अब हमें दाहिनी साइड लिखना, ये काहे को डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, क्या चाहता है। लिखो माइनस का 5 पार्ट, लिखो माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 माइनस का 11 और प्लस डॉट 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 माइनस। के आगे भी प्लस का साइन। अब देखो यहां से समझो बच्चा, इसमें क्या क्या दिया है, ए बराबर दिया माइनस 5, बी बराबर आप निकालोगे जब माइनस 8 से, हाँ माइनस 8 से जब घटाओगे माइनस का 5, तो आपको पता है ये माइनस का 8 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा, बी का मान माइनस का 3, ए एन का मान आएगा माइनस का 230। बस ये सब दिया है, फिर करना क्या है भाई। सूत्र लगा दो फटाफट लंबा वाला। चलो देखो एन का मान निकाल लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू दिया है बच्चा, दिया है का, हाँ दिया है 230 दिया है, वो भी माइनस में दिया है, पल ए का मान माइनस का 5 दिया है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया माइनस का 3, ये माइनस का 230, ध्यान देना माइनस का 230 और ये माइनस का 5, ये इधर साइड में आ जाएगा, मुझे लग रहा है माइनस हो जाएगा कि प्लस, करके देखो फटाफट ना, ठीक है भाई, इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये एन माइनस 1, ये देखो बच्चा गुणा में है इधर आएगा नीचे, ये भाग में हो जाएगा, इसको देखो ये घटेगा माइनस का 225 के माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1, इसे काटो तो 3 × 7 = 21 = 15, यानी इधर क्या आया माइनस का 75 नहीं आया, प्लस का आया, क्योंकि नीचे भी माइनस था ऊपर भी माइनस था, प्लस हो गया। फाइनल में हम कह सकते हैं कि 75 इक्वल एन माइनस 1, एन बराबर 76, इतना 76, सबको समझ में आया, इतना लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद आगे बढ़ोगे और बच्चा योग वाला सूत्र लगा लो बस, हो गया, गुरु का आशीर्वाद, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए इतना लिख लीजिए। हाँ एक बात आपको बता दें, आपकी जो क्लास है 1 अक्टूबर से PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल का नाम याद रखें PVR स्टडी 3.0 चैनल पे 1 अक्टूबर से क्लास चलेगी, क्लास का टाइम वही रहेगा जो है, तो याद रखना सभी बच्चे, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा क्लासें हो जाती तो YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है, ठीक है। एन का मान 76 आया है याद रखना। अब हम लगाएंगे योगफल वाला सूत्र सारणी का और फटाफट क्लियर आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखना, 1 अक्टूबर से आपकी 9th-10th की क्लास आपके स्पेशल चैनल PVR स्टडी 3.0 पर चलेगी, ठीक है, ये नाम है PVR स्टडी 3.0,
ऐसे लिख के सर्च कर लेना, मिल जाएगा यूट्यूब पर भी। चलो बच्चा अब देखो, समझो यहाँ पर यन का मान भी आ गया 76। अब हम योगफल का सूत्र लगाएंगे, यस यन इक्वल यन अपान टू और ए प्लस यल। यस यन, यन का मतलब हमें मान निकालना है, किसका किसका निकालना है भाई, 76 का निकालना है ना। यन 76 हर जगह रख दोगे, ए का मान माइनस का 5 प्लस यल, यल मतलब लास्ट वाला पद दिया था माइनस का 230। ये यहाँ से आप बड़ा कोष्ठक लगा लो या मझला, ये 76/2 आप 2 से काट लो 38 आएगा, और ये गुणा हो जाएगा माइनस प्लस, दोनों माइनस हो जाएगा 235। यानी यह 76 का मान जो आएगा वो इन दोनों का गुणा करके आएगा, 38 और 235 का गुणा कर लो, फटाफट कर लो भैया, माइनस का 89/30 आएगा आंसर, हो गया ना फाइनल। अब किसी को जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आता तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है बच्चा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बताइए कमेंट कर, संकोच बताइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक एपी में क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक एपी में, एपी का मतलब वही समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। पहला, इसमें कई पार्ट हैं, मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट दिया है, ए इक्वल 5, बी इक्वल 3, ए 3 इक्वल 50 और यन और यस यन ज्ञात करना है। तो क्या क्या करना है ध्यान देना, कह रहा है यन और यस यन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करो, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत मजेदार है, बहुत सुंदर सा है, प्यारा सा है, क्यूट सा है, बहुत आसान है। अब तक जो समांतर श्रेणी का आपको मैंने सूत्र बताया था योगफल वाला, और एक छोटा सा उसके पहले, वही दोनों सूत्र का प्रयोग करके आप इसमें के सारे प्रश्न कर सकते हो। हमारे साथ सदानंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बेदू जादौन, के एम गेमिंग, अंकित इंडियन गेमर, और सचिन यादव, हेम प्रताप सिंह, अंकित, अमित दुबे और तहलका 1155, ये नाम है इनका, सरमाना नहीं, तहलका 1155 इनका नाम है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे, जोगिंदर, प्रीति सिंह, शालिनी मिश्रा, सभी का बहुत बहुत वेलकम पीवीआर स्टडी। आइए आइए जल्दी आइए, हमें यन निकालना है। तो भैया बाबू देखो सब कुछ तो दिया है, हाँ लूट लो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका मास्टर सूत्र होता है इस चैप्टर का। तो बच्चा ए एन, आप देखो एन का मान हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें ए थ्री का मान दिया है, और यहाँ से ध्यान दो, ए थ्री का मान दिया है, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमें जो ए एन है इसका मान 50 दिया, इसका मतलब हाँ ठीक है, ये क्या है, ये 50 दिया है, आप यहाँ इसे ए एन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान 5 दिया है, प्लस एन का मान हमें पता है नहीं, डी का मान 3 है, रख दीजिए 50, इधर से 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, घटाओगे 45 आएगा, ये दोनों इधर का 3 इधर आएगा भाग में हो जाएगा एन माइनस 1, बेटा देखो ये कट जाएगा 15 आएगा, हाँ तो ये आपका 15 बराबर एन माइनस 1, आपको पता होना चाहिए, इतना आप जानते हो, मैं यहाँ थोड़ा जगह करके बगल में कर देता हूँ, जब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी एन का मान 16 आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया, जल्दी से हमारे जितने भी प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं तुरंत कमेंट करके बताए, और अगर वो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ और क्लास को लाइक करना,
बस थोड़ा सा ही काम तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रजेश राजपूत जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। साक्षी पटेल, तो यन का मान हो गया, यस यन पूछा था, तो चलो फिर इधर साइड में लगे हाथ दूसरा भी निकाल देते हैं। यस यन निकालना है, इसका सूत्र होता है यन अपान टू, और आपने पढ़ा होगा 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी, हाँ ये आपने पढ़ा है। और इसमें वैसे छोटा सूत्र लगा के भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम छोटा सूत्र ना लगाएंगे। चलो यन का मान अभी अभी कितना आया, 16 आया है। यस यन ज्ञात करना था कह रहा था ना, ठीक है नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। मतलब वही योगफल निकालना है, यन का मान क्या है, यहाँ पे 16 रख दो, यन की जगह पे 16 आया अभी अभी निकाला, 2 इंटू ए, ए का वैल्यू 5 दिया बच्चा, कितना दिया 5, यन का मान 16 निकाला है, डी का मान दिया था कितना 3, हल कर दीजिए, ये कट जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों भाई कुछ मिस्टेक हो गया का, पता है कौनो मिस्टेक नहीं हुआ, सब मस्त है, ये कट गया 8 आ गया, ऐसे काट लो और अंदर में देखो ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इसे मत भूलना लगाना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और धन, समझिए 16 में से एक घटाएंगे 15 आएगा, हाँ भाई इस प्लस के बाद में, और 15 का 3 में गुणा करोगे बाबू तो 15 × 3 = 45 आएगा, कितना आएगा 45, इस तरह से आपका ये कितना हो गया 8 × 55, क्योंकि ये 10 जुड़ जाएगा 55 हो जाएगा, फाइनल में 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 × 44 ये आंसर होगा, यानी आपका जो यस यन है वो कितना आया 440। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका प्रश्न पूरा हो चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। चलिए मैं हट जाता हूँ, सामने से स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरा भी आना चाहिए थोड़ा सा, हो गया। इसके और भी कई पार्ट हैं, आप लोग ये बताओ दूसरा कर लोगे कि नहीं। हेम प्रताप सिंह, हेम प्रताप देखो बाबू एक बार दूसरा क्वेश्चन देखोगे आ जाएगा, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखोगे आ जाएगा, नहीं मैं बता देता हूँ, सुन लो एक बार फिर से बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। कह रहा कि यदि एक एपी में ए बराबर 3 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, सॉरी ए बराबर 5 दिया, डी बराबर 3 दिया है, ए एन बराबर 50 दिया है, तो यन और यस यन ज्ञात करना है, यानी हमें यन निकालना है, कुल मिला के पदों की संख्या कितनी होगी, हाँ और योगफल निकालना है। तो हम ये पहले मास्टर सूत्र लगाएंगे जो कि हर जगह लगता है आपका समांतर श्रेणी में। यहाँ से आप देखो ए एन का मान दिया था, ये चाहे वो ए 3 का है, ए 50 का है, किसी का भी मान दिया है तो वो ए एन का मान माना जाता है, 50 दिया है, ए का मान 5 दिया था, डी का मान 3 दिया था, और क्या एन का मान कुछ नहीं दिया था, मुझे निकालना था, तो कैलकुलेशन करना तो जानते हो, मैं क्या बताऊँ आगे, हल करके 16 आ गया। उसके बाद यहाँ पर यस एन के लिए ये सूत्र लगाया, सारे मान रख दिए, हल कर लिया, अब कैलकुलेशन करना तो आपको आना चाहिए ना भैया, हरिकेश कुमार कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना बाबू, अब अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप पीबीआर स्टडी का जीरो लेवल वाला मैच देखिए, जीरो लेवल में रात 9 बजे से सिखाया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आपको मिलेगा। अच्छा 10 वालों की क्लास कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि दोपहर में कहीं कहीं जाना पड़ जाता है, कभी तो हो जाता डिस्टर्ब, लेकिन हाँ अब हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि नहीं डिस्टर्ब होगी ना, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। इसका सेकंड पार्ट कौन कौन कर लेगा, सेकंड पार्ट कौन कौन कर लेगा भैया, ए बराबर 7 दिया है और ए 13 = 35 दिया है, तो डी और यस 13 ज्ञात करें,
देखिए ये भी आसान है, इसमें थोड़ा सा समझना है। इसमें हमें यन का मान दिया है, इसमें हमें यन का मान दिया है, कहाँ दिया है, ये 13 में यन का मान 13 दिया है। उस क्वेश्चन में आप कहोगे फिर गुरुजी वहां भी तो ये 3 दिया था, हाँ वहां नहीं दिया था क्योंकि वो पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने निकाला था। चलो तो यहाँ पर क्या है, देखिए दिया है लिख लीजिए, दिया है मैं तो सब कुछ दिया ही है, यहाँ एक और लिख लो यन का मान 13 दिया है। ये सूत्र लगाइए आपका मास्टर सूत्र जो भी आप लगाते आए हो, हाँ मास्टर सूत्र लगा दो जो लगाते आए हो। चलो यहाँ से बराबर करें, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, सब मस्त है। ए एन का मान देखो भैया 35 दिया बाबू, ए का मान 7 दिया है, धन एन, एन का मान 13 दिया है, माइनस वन इंटू डी, डी का मान नहीं दिया है, डी का मान निकालना है। 35 माइनस 7, क्योंकि ये 7 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये 13 में से एक जाएगा तो 12 आएगा, डी में गुणा करोगे तो ये 12 डी हो जाएगा, ठीक है, ये घटाओगे तो 28 हो जाएगा बराबर 12 डी। देखो बाबू यहाँ से डी का मान निकालोगे जब तुम, तो क्या होगा पता है, डी बराबर 28 बटा 12। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब डी को इधर अकेला छोड़ देंगे, 12 को इधर लाएंगे तो इसके नीचे भाग में हो जाएगा, चाहे तो 28 बटा 12 लिखो, चाहे तो डी बराबर 28 बटा 12 लिखो, चाहे 28 बटा 12 बराबर डी लिखो, इधर का उधर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एम प्रताप सिंह बच्चा हमारे समझ से तो केवल कोरोना के लिए हटा था, परमानेंट नहीं हटा था सिलेबस, ठीक है, कोरोना टाइम में हटा था ना, वो हर समय के लिए थोड़ी हटा है। अब इनको काटो कितना से कटेंगे, 4 7 28, 4 3 12, यानी डी की वैल्यू आपको 7/3 मिल गई, कितने मिल गई 7/3। इसको कर लीजिए जल्दी से, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं बार बार बोलता हूँ जिससे कि वो बिल्कुल फ्री लाइव क्लास यूट्यूब पे पढ़ पाए, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना राजा। चलो यस 13 ज्ञात करना था, चलो यस 13 पे आ जाएं, इसको लिख लीजिए आप लोग, ये फार्मूला लगाओ एन अपान टू। देखो इसमें एक छोटा सा सूत्र लगा के भी निकाल सकते हो, नन्ना वाला एक होता नहीं ए प्लस एल वाला, ए प्लस एल। चलो तो यस 13 निकालना, यहाँ पे 13 रखो, एन का मान 13 रखो, ए का मान 7, एल का मान 35, एल का मान 35 चूंकि देखो यह दिया था ना लास्ट पद, 13 पद यहीं तक था, ये आपका हो जाएगा 13/2, 35 5 40 2 42, काट दोगे 21 आएगा, 13 का 21 में गुणा कर लो, 13 1 13 13 2 26 1 27, 273 आएगा, कितना आएगा 273। तो भाई साहब इसको ऐसे लिख सकते हो बाबू, यस 13 इक्वल कितना 273। इस तरह से बच्चा आपका दो पार्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का, कितना पार्ट हो चुका, दो पार्ट हो चुका है, ये बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके, सबको समझ में आया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रही ना, सबको समझ में आया ना भैया, आया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं ना, बता दो कोई दिक्कत हो तो, बिल्कुल बता दो। चलो आगे बढ़े, चलिए आप समझ के चलना कि आपके दो पार्ट हो गए, दिलीप निनामा, दिलीप निनामा बच्चा तुम अपना गलत नाम लिखे हो या तुम्हारा नाम है ऐसे, हाँ रोज क्लास में आओ दोपहर 2 बजे, इस समय टाइम है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और हाँ नीचे एक नंबर जो चल रहा है ना उस पर व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज दो कि मुझे 10th का ग्रुप ज्वाइन करना है, सिर्फ इतना लिखना कि मुझे 10th का ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगी और ज्वाइन कर लेना, तो उसमें आपको क्लास की लिंक भेजी जाती है, ठीक है। हेम प्रताप जी लिख रहे हैं कि हमारे स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है,
एम प्रताप जी, हर कोई अच्छा पढ़ाता है, आप उसे समझने की कोशिश करो तब ना। कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता, गंदा नहीं पढ़ाता, सब अच्छे पढ़ाते हैं, बस आप समझ नहीं पाते हो, किसी का समझ जाते हो। आर्ट विथ आदेश, वासुदेव, ठीक है वासुदेव जी, वेरी गुड। चलिए तो ये आपके दो पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट मैं करवाऊं या ना करवाऊं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है क्लास के लिए, क्योंकि बच्चे कम रहते हैं इसलिए क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं चलती है। तीसरा पार्ट देखो, में A12 दिया है बाबू, 37 दिया है A12, जी बराबर 3 दिया है, तो ए और S12 ज्ञात कीजिए, ए और S12 याद कीजिए। चलिए समझिए और करिए, नहीं पैसे नहीं लगता है, पैसे वाला तुम लोग करते कहाँ, फ्री चलता है यूट्यूब पे, लेकिन पैसे के बदले आपको क्लास को लाइक करना है और दोस्तों में और अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर करना है। अगर आप इतना करोगे तो कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री चलता है, लेकिन इसमें से अगर कुछ भी काम नहीं करोगे, बहुत आसान सा काम है, तो फिर हो सकता है कि आपको क्लास ना मिले, फिर भी पैसे नहीं लगेगा। हाँ तो ठीक है हरकेश जी, 1 घंटा पढ़ाएंगे लेकिन आप उसके लिए बच्चे जोड़ोगे तब ना बाबू, बच्चे जुड़ेंगे तब। राजू कुमार 9th का चलता है, 9th का कब चलता है पता है तुम्हें, 7:30 मैथ, कक्षा 9 का 7:30। इसको कर लोगे कि नहीं पहले ये बताओ, कितने बच्चे कर लेंगे। कक्षा 12 का मैथ हमारी कोशिश है 1 अक्टूबर से चलेगा, कक्षा 11-12 1 अक्टूबर से, बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस जल्दी ही। ए और S12 ज्ञात करना है, बचवा इसमें यन का मान भी दिया है 12, यन का मान 12 दिया है, सूत्र लगा दो, An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। An का मान देखो 37 दिया है, हाँ A का मान नहीं पता है, N का मान 12 दिया है, माइनस 1 इंटू टी का मान 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, हल कर लो 37, और ये देखो बच्चा 12 से 1 घटेगा 11 आएगा, हाँ 11 में से जब 3 में गुणा करोगे तो 33 हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 बराबर ए, कहने का मतलब ए का वैल्यू कितना आया 4 आया। सभी बच्चे बताओ कर लोगे ना भैया, जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आप उन्हें लेके आओगे, बच्चों की संख्या 100 प्लस हो जाए तो मैं पूरे 1 घंटे पढ़ाऊंगा, बच्चों की संख्या 100 प्लस होनी चाहिए, मैं पूरे 1 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन लाइव क्लास में 100 लाइव प्लस दिखना चाहिए। आपके घर में चाहे जितना मोबाइल है सब में चला दो, सारे लैपटॉप में चला दो, भैया मम्मी पापा भैया भाभी सबके मोबाइल में चला दो, 100 प्लस लाइव वॉचिंग दिखना चाहिए, मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, उससे कम दिखेगा तो फिर 1 घंटे नहीं। चलिए मैं जो दूसरा वाला पूछ रहा था वो भी कर देते हैं, S12 ज्ञात करना है, ये सूत्र होता है आपका 2an-1 इंटू टी, ये आपका बड़ा ब्रेकेट लगता है भैया, हाँ S12 मतलब n का मान कितना 12, 12/2, 2 × a का मान 4 आया है, धन n का मान कितना आया 12 माइनस 1 × d, d का मान 3 दिया था, हल कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा चूंकि कट जाएगा, हाँ? ये देखो कितना हो जाएगा 2×4 और इसको देखो बच्चा घटाओगे तो 11 आएगा, 3 का गुणा करोगे 33 हो जाएगा, तो 33 × 7 = 41, 6×41 फाइनल में आपका आएगा S12 = 6×6 =
24, 246 आंसर आएगा। सभी को समझ में आ गया, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लीजिए। चलिए, हमारे जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं जल्दी से वो बताएं कि क्या आपको कोई समस्या, किसी लाइन में कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलिए तो भैया, इसका जो अगला पार्ट है बाबू, आप लोग कर लोगे कि नहीं? मैं सामने से हटता रहता हूँ, डोलता रहता हूँ, जिससे कि आपको अच्छा दिखे। इसलिए आप देखो, मैं स्क्रीन से कभी हट जाता हूँ, कभी उधर भाग जाता हूँ, कभी उधर चला जाता हूँ, जिससे आपको अच्छा दिखे। तो हमारे सभी साथी इस क्लास को शेयर करेंगे। इसमें तीन पार्ट मैंने करवा दिया है, इसका चौथा पांचवा और आगे मैं कल अगली क्लास में करवाऊंगा। इस समय क्लास का टाइम 2 बजे चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो भैया, स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहा है बाबू, ध्यान से देखो तो मिलेगा। और उस नंबर पे आप मैसेज लिख के भेजिए, लिख के क्या लिखोगे सुनो, कि मुझे क्लास 10th का ग्रुप ज्वाइन करना है। क्या लिखना है? कि मुझे क्लास 10th का ग्रुप ज्वाइन करना है। ये पहले मैसेज में लिखोगे। दूसरे मैसेज में लिखोगे कि क्या, अपना नाम, क्लास का नाम और अपने जिले का नाम, नाम, क्लास और जिला का नाम, मतलब नेम, क्लास एंड डिस्ट्रिक्ट नेम। ठीक है, अगर कोई बदलाव होता है क्लास में तो आपको बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दिया जाता है। व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया जाता है, स्टेटस देखते रहना आपको। जब हमें मैसेज करोगे उसके 3 दिन बाद, हमें मैसेज भेजने के 3 दिन बाद आपको स्टेटस हमारी दिखने लगेगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं तो आपका नंबर सेव किया जाता है हमारी टीम के द्वारा, आपसे कांटेक्ट भी किया जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। बहुत बहुत थैंक यू आज के लिए, इतना ही।